तो चलिए 7+7 का मुकाबला और अयाज होंगे बॉलर। पहली गेंद लेकर तैयार थे लेकिन शब्द से काफी बाहर डूब गई और अंपायर ने अपने दोनों हाथों में फिजा में लहरा कर इशारा किया कि आपने इस बार दिशा गेंदबाजी की है, इसका के रूप में रन जुड़ा है। अगर बात की जाए चितवारा के अंक तालिका में गरम दे और विशाल बिल्कुल कालू के सहारे खेलने का प्रयास किया था धरंजय ने और गिल्लियों को भी गेंद रख दिया अयाज ने। क्या कमाल की गेंद थी, बिल्कुल सामने की तरफ ना भाई फंजरपुर ना है पहले के बाद हरकत करती हुई नजर आई और विकेट के गिल्लियों को भी चेक रख दिया। हालांकि पिछले मुकाबले में धरंजय की बात की जाए तो अच्छा प्रदर्शन किया था धरंजय ने, लेकिन जब सामने लेग टाइम सिल्वर के बाद अयाज के पास ही कर रहे जिनकी गेंद पहले के बाद अंदर बाहर हो रही है और स्विमिंग स्विंग बाजी करते हैं और बीच में थोड़ा सा इस बोल का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, कंधे का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। झुकी ने बल्लेबाज झुकी ने किशन तो चलिए 7+5 ओवर का मुकाबला था और तीन पहले तालिका के ऊपर पहला विकेट गिरा है धनंजय के रूप में। विशाल और किशन की जोड़ी अब मैदान में देखी जा रही है। आजमगढ़ क्रिकेट लाइव के जरिए इस्लामिया क्लब गालिकपुर एसोसिएशन रही ये टूर्नामेंट अपने कहीं न कहीं आवाज की तरफ गामजन होता हुआ नजर आ रहा है। इस बार सुल्तान बेट थी सुल्तान बेट को बिल्कुल मौका था इस मरतबा बल्लेबाज के पास और उसे अच्छे तरीके से फायदे को उठाया और गल्ले के बीचों बीच ये गेंद जाकर टकराई थी, मिडिल ऑफ द बैट के जाकर टकराई थी और छक्का बैट कर लिया है। स्कोर है 7 रन लगातार दो विकेट के क्या नजर आ रहा है। पहला गेंद अगर देखा जाए आयाज की तो अल्ले की शम से काफी बाहर गेंद, दूसरी गेंद पर अगर देखा जाए तो क्रेन बोल किया, तीसरी गेंद छक्का लगा और चौथी गेंद पर भी यहाँ पर क्रेन बोल कर दिया है। तो पहले ओवर में जो शराबी जोड़ी आई थी अगर वो बात की जाए तो अंदर का विकेट गया और किशन का विकेट के टाइम वाला नजर आ रहा है छतवारा का। बल्लेबाज का नाम बता दो सालू। प्रदर्शन कर रहे हैं लेफ्ट आर्म सुनने के बाद गेंद पड़ने के बाद या तो अंदर आ रही है या फिर बिल्कुल बराबर खड़े हुए यहाँ पर अयाज के पास ही कर रहे और इसके लिए आप जाने दी जाते हैं। तो चलिए खुद से तैयार एक मिनट नहीं भाई मंजीर पटी नहीं आई मुकार भाई तालीम को अब बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, रनर को भी मेंटेन करना है और साथ में रनों की संख्या को भी बढ़ाना है। चलिए इस इस गेट के ऊपर हालांकि बिल्कुल बल्ले को जोर से चलाया पर विशेष भर कर दिया था गेट के अंदर अपनी स्पीड थी ठीक है चले गए बिल्कुल इलाहाबाद के एरिया में और दोनों बल्लेबाजों ने मुकम्मल किया। इस पर पहुंच चुका है आपके युग पर और 7+5 का मुकाबला है। छपारा वर्सेज आजमगढ़ का गेरिया में मुकाबला है। अल्ट्रा क्लैट आजमगढ़ संदेह करके नजर आ रही है। उसे तैयार है आज इस मतलब अच्छी मेरी राइट बॉल का इशारा और इस बार को चलिए और जुड़ाव पालिका पर स्कोर पहुंच चुका है 9 के योग पर 9 रन बन चुके हैं। पहला निरन प्रगति पर है अयाज अपने निकले।
हम रहा है ना कर हेलो जबरदस्त मुकाबला तो आजमगढ़ की काफी अच्छी टीमों में कुमार आजमगढ़ और फिर छतवाड़ा के बीच हमजा बहुत अच्छी गई पाकिस्तानी बात बाहर की तरफ गई लेकिन कीपर ने गैदर किया बगैर कि हिरन के रनों की संख्या में भी देखा जाए तो टोटल इसको 27 ये दो ड्रा ओवर चलता हुआ पांच ओवर के इतिहास ये मैच गालीपुर का ऐतिहासिक ग्राउंड दो तीन बार आउट होने का चांस था लेकिन विकेट कीपर चुका दो ओवर 27 रन दो विकेट के नुकसान पर तीन विकेट के नुकसान पर टोटल स्कोर है 27 रन 5+5 ओवर आयाज एंड कंपनी ने फील्डिंग करने का फैसला जो किया है अब तक सही साबित विशाल जब तक रहेंगे रनों की संख्या जो बढ़ती रहेगी छतवाड़ा टीम की काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं चारों तरफ इस मैच के बाद गुजरतार वर्सेज नरवासरा के बीच खेला जाएगा बड़ा शॉट लगेंगे
मिड विकेट बाउंड्री के बाहर चली गई। चेरनीय किस्मत का कपाल होता है, खेलना कोई और चाह रहे थे। बल्ले का तेल वाला गेंद डीप विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। 6 के साथ स्कोर जा बचा 33 लास्ट ऑफ 3 विकेट गॉन इन दिस मैच। आयाज इस ओवर में अगली बार विशाल के लिए और अच्छी गेंद थी। वाइट का इशारा अंपायर का। बहुत ही बड़ा छक्का, ये चौथा छक्का इनके बल्ले पे। टोटल 13 लास्ट ऑफ 3 विकेट, 40 रन बन चुके हैं। तीसरा ओवर चलता हुआ, लॉन्ग लॉन्ग सिक्स बाय विशाल। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और ये देखा जाए तो छोटा सा ग्राउंड है। एक मिड विकेट बाउंड्री थोड़ा सा दूर, लेफ्ट साइड थोड़ा सा दूर, बाकी पॉइंट कवर जो थोड़ा करीब छोटी बाउंड्री रखी गई है। विकेट 23। अब तक देखा जाए तो काफी अच्छा रन रेट बना रखी है छतवारा की टीम। 40 रन 3 खिलाड़ी के आउट होने के बाद आया विशाल के लिए। कट कर दिया है, सुंदर कट, ओवर गो टू बाउंड्री क्रॉस लाइन। टू क्रॉस एंड टू मोर रन बाय विशाल। 42 लक्ष्य 3 विकेट, लकली बैटिंग बाय विशाल। टकटकाने के बाद बाहर की तरफ गई थी गेंद, उसको हल्के हाथों से खेला था पैंट और गली के बीच से। आयाज बहुत अच्छी विकेट की पर चुका, दो रन मिल जाएगा वहां पर आसानी के साथ। इस दो के साथ इसको 44 3 खिलाड़ी के आउट होने के बाद ये तीसरा ओवर चलता हुआ। आजमगढ़ के लिए जो रन बन रहे हैं, खतरे की घंटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ग्राउंड छोटा है लेकिन पिच भी थोड़ी छोटी है, रन बनाना आसान नहीं है। बार जो करना चाहिए था आज ने किया है, बैक टू पवेलियन। इस साल वहां पर अच्छा कर रहे थे लेकिन मोटा एक लगा, कॉटन गोल किया आयाज ने। ये चौथी सफलता मिलती हुई छतवा आजमगढ़ टीम को। क्या कहेंगे भैया, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, वहां पर खराब डिसीजन रहा जो बस आ गया था। दो छक्के एक ओवर में आ गए थे, एक ओवर को छोड़ दिया जाए तो बचे हुए अभी भी 2-12 गेंद बची हुई थी ओवर के बाद। जी बिल्कुल किबू भाई, विशाल एकमात्र ऐसे बल्लेबाज थे इस टीम के जो लगातार अपनी टीम के लिए रन जोड़ रहे थे। अभी 12 गेंद शेष थी, अगर यहां से विशाल सिंगल डबल भी खेल लेते हैं, लास्ट ओवर तक रुक जाते, लास्ट गेंद तक रुक जाते तो दोनों की संख्या लगभग 70+ रन बन जाता। अगला बल्लेबाज फरहान आए बल्लेबाजी करने के लिए और मुझे लगता है प्रदीप और कामरान का इसके बाद है। 4 विकेट गिर चुकी है, इसके बाद है प्रदीप और कामरान का। निकालने को आयास ने निकाले और हमारे साथ जुड़े हुए सेकंड राउंड का मुकाबला तैयार आयाज। इस पर भी अच्छी गेंद, अच्छी डिलीवरी और राइट हैंडेड बल्लेबाज के लिए क्योंकि भाई जब लेफ्ट आर्म सिमर के बाजी करता है और आप भी सारे लेफ्ट आर्म सिमर के बाद रहे तो आपके पास ये मिचले स्विंग मिलती है। कुदरत में एक ऐसा नक्शा होता है कि जब लेफ्ट आर्म सिमर के बाजी करता है तो उसकी गेंद पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकलती है। ये एक करिश्मा होता है, ये नेचुरल स्विंग प्राप्त होती है किसी भी लेफ्ट आर्म सिमर के लिए। तो वही आवाज प्राप्त कर रहे थे और जो कोशिश किया था विशाल ने बिल्कुल लालवान के दिशा में खेलने का और आपने फिर बताया बल्ले का आमोटा एज लगा था काटन बोल्ट हो गए और विकेट गया वहां पर विशाल का। वो कहीं ना कहीं एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है अगर फाइट ऑफ से देखा जाए तो आजमगढ़ के। वैसे तैयार अब हमजा आए फर्स्ट इनिंग तैयार और उनके साथ बाजी की जा रही है। तो ऐसे के बाद इस टीम के हिस्सा है जो लेफ्ट आर्म स्विमर है, लेफ्ट आर्म स्विमर देने के बाद और दोनों के बाद के पास की जो गेंद है वो राइट हैंडेड बल्लेबाज के लिए पलटे के बाद कांटा बदल रही है और सीधे विकेट कीपर के पास कांटा जा रही है। हमसा ने पिछला बार बहुत बढ़िया किया था, तो उसे तैयार अपारो क्रॉस किया
बल्लेबाजी करने के लिए तो विकेट के मौसम अकबा तो ऐसा विकल्प है आजम गिल के लिए जो रन में कमी कर सकता है, लेकिन अगर आप इस तरीके नहीं नहीं आ रहे हैं, अभी मुझे जानकारी मिली है कि वो आ रहे हैं, कामरान खान आ रहे हैं, प्रदीप तो खेल ही रहे हैं, कामरान खान आ रहे हैं, इसके लिए सेकंड मैच नहीं तो पहला मैच उनका था, इसलिए उनकी टीम रुकी हुई है। लग रहा है एक विकेट कैच छूटा, भैया क्रिकेट में कैच छोड़ना खतरे की घंटी है, कैच छोड़ो मैच हो ये कहावत है क्रिकेट में, वहाँ पे अनिल एक मौका था रन आउट का भी लेकिन चूके, एक कीपर चुका, फील्डर चुका, दो रन मिला छपवारा टीम को, टोटल स्कोर जा पहुंचा 47 रन, चौथे ओवर की गेंदबाजी जारी है, हमजा लेफ्ट आर्म फ्री गेंद बल्ले पे खेल रहा नहीं भी छपवारा टीम के बल्लेबाजों को पांचवा झटका कट करना चाह रहे थे, बाहरी फिरा लगा हुए तरीके विकेट कीपर के कप्तान में पेपर और विकेट गिरता हुआ छपवारा कंपनी का पूरी तरह से दोनों बल्लेबाजों ने अब जाके लाइन लेन को बरकरार रखा है और स्विंग कर रहे हैं और स्विंग का सामना नहीं उठा पा रही है छपवारा की टीम। अगला मैच बड़ा ही खतरनाक मैच, एक तरफ आजमगढ़ गुजर पार की टीम है तो दूसरी तरफ मऊ नदवा थला की टीम, एक जबरदस्त मुकाबला रवाड़ा का मुकाबला होगा प्रदीप यादव से। अनिल मास्टर बैठे हुए हैं, मैच का आनंद ले रहे हैं, ग्रामीण छोड़ अगर ओपन मैच होता तो इनका भी जलवा बरकरार होता, लेकिन क्या करें बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा भूखे हो चुके हैं। फिर से हमजा, ये आउट होने का चांस, अब्दुल्ला हाफिज भी लग रहा कि आज बहुत सुस्त नजर आ रहे हैं, एक रन था कैच भी छूटा और दूसरा रन भी आसानी दे दिया। क्रिकेट में आपको एक टीम रहना है अगर मैच को जीतना है, जब जब क्रिकेट में हल्का करेंगे तो मैच टूर्नामेंट के आप बाहर चले जाएंगे। आज एक टीम ग्रुप ए का आज मैच था, एक टीम सेमीफाइनल में चली जाएगी अंतिम चार में, कल ग्रुप बी का मैच, उसके बाद सी और डी, पांचवें दिन इस टूर्नामेंट का फाइनल खेला जाएगा गाजीपुर के ऐतिहासिक मैदान में, बहुत दिनों के बाद आयोजन किया गया इकोनॉमिया कप, आतिफ ने काफी मेहनत किया और इनकी टीम दो रनर रही, इब्राहिमपुर की टीम इब्राहिमपुर के मैदान पर बहुत लंबा रन अप राइट आर्म हुआ विकेट। हाँ खंडवारी सुन तो रहा हूँ, है अब देखते हैं कल तक, अगर बॉलर लाइन में गेंदबाजी आज नहीं था तो आसान, कल देखते हैं। फिलहाल अच्छी गेंदबाजी आत्मबल ने, गुड कमबैक, तीसरा ओवर 40 रन बन गए थे लेकिन विशाल के आउट होने के बाद रनों के लिए संघर्ष पड़ रही है वहां पर छतवारा की टीम, टोटल स्कोर हुआ 50, पांचवा ओवर चलता हुआ। बहुत तेज ये थी चप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई, विकेट कीपर ने गैदर किया बगल की थी रन के, चार गेंदों में देखना क्या होता है, दो टीम आ जाए टास्क के लिए, नदमा सराय और गुजर पार तुरंत आकर अपना टास्क करा ले, बहुत अच्छी ये लखनऊ डुबराज स्टैंडिंग बॉलिंग बैक टू बैक का डिलीवरी छतवारा एंड कंपनी, थ्री फर्स्ट थ्री बॉल एंड थ्री डॉट डिलीवरी, लवली बॉलिंग बाय राइट आर्म वर्थ विकेट, बॉल कर दिया इस बार गुड लेंथ लवली बॉलिंग, छठा झटका भैया क्या कहेंगे, बैक टू बैक विकेट भी गिर रहा है, रन भी नहीं बन रहा है संगत, वहां पर
ईशान ने गलती की और उस गलती का खामियाजा भुगत रही है छपवारा की टीम। बिल्कुल टीपू भाई, तीन ओवर में जो रन चाहिए थे वो रन तो आ गए थे, लेकिन विशाल ने जो बड़ा गलती किया है वो उनकी टीम अब बिल्कुल बैक फुट पे आ गई है और लगभग 50 रन बनाए और अभी मुझे लगता है कि 2 गेंद बचे हुई है, 1 या 2 गेंद और 30 गेंदों पर 50 रन या आसानी से बनते तो बहुत मुश्किल होगा। अगर बात की जाए छतवाला के लिए तो थोड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, जैसा कि टीपू भाई ने बताया विशाल का बहुत बड़ा विकेट गिरा। अगर विशाल लास्ट तक रुकते थोड़ा समझ के खेलते तो क्यों जानते थे कि मेरे बाद जो आने वाले बल्लेबाज है वो उस किस्म के नहीं है, वो शायद से बल्लेबाजी नहीं करते जिस तरीके से मैं करता हूँ, तो बहुत बड़ी गलती की है। लगना चाहे आगे पास करा ले और गुज्जर पास दोनों टीम के तो आगे तुरंत पास करा ले, उसके बाद मुकाबला जो है मदवा कराए जरूर गुज्जर पास के दरमियान मुकाबला होगा। और अब अगर इस मैदान की बंदी का है की जाए तो 50 रन है और लास्ट ओवर का ये गेम है। आशीष भाई टॉस करा लीजिए, चलिए आशीष भाई आ रहे हैं टॉस करा लीजिए। कितना नहीं दो ठीक स्कोर है 52 रन और गिरबाज का नाम अगर देखा जाए तो फहद बहुत बेहतरीन गिरबाजी की है। फहद ने अपने लाइन और लेंथ को बहुत अच्छे तरीके से संभाल के रखा है और इसी तरीके की लाइन और लेंथ का होना जरूरी है टेनिस क्रिकेट में। टेनिस से तैयार इस पकड़ा थोड़ा डिस्टबल किया था बल्लेबाज ने और टेबल आसानी के साथ क्या कुछ पूरा होगा जीवन आपका चांस, लेकिन आसानी के साथ वहां पर रन मुकम्मल होता हुआ नजर आया। टेबल आसानी के साथ दो रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। स्कोर अगर देखा जाए तो 74 का टारगेट है। फील्डिंग चला ले तुरंत फील्डिंग चला ले टीम छतवारा तुरंत फील्डिंग चला ले और इसके बाद जो मुकाबला होगा नटवास राय वर्सेस गुज्जर पार के दरमियान मुकाबला होगा। इस्लामिया क्लब गालिबपुर का ये ऐतिहासिक ग्राउंड, ये ऐतिहासिक सरजमीन, ये ऐतिहासिक टूर्नामेंट, ये ऐतिहासिक क्षण, ये ऐतिहासिक पल जो लगातार यहाँ के लोगों ने, यहाँ के तमाम श्रद्धालुओं ने और खास करके अगर बात की जाए अलवाज और आसिफ ने कितनी मेहनत की है, कितनी मशक्कत, कितना परिश्रम, कितना खून और पसीना किया होगा तब तक ये ग्राउंड सजा हो सकता है। तो चलिए टॉस जीता नवास राय ने और टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है, यानी जो सामने वाली टीम है मध्य मुकाबल टीम विपक्षी टीम उसको नेता दिया है कि आप आइए पहले फील्डिंग करिए, हम आपको एक टारगेट देंगे, एक लक्ष्य देंगे और हम उस लक्ष्य का पीछा करेंगे। संजीव सिंह से मैं गुजारिश करूंगा कि संजीव भाई आ जाए। संजीव भाई आप खड़े अच्छा नहीं लग रहे, आप आ जाए, आपसे मेरा तबादला दरखास्त है। और हमारे साथ हमारे दो साथी कमेंटेटर, दो सीनियर कमेंटेटर जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बड़े भाई संजीव सिंह जी जो पेशे से टीचर भी है और हमारे साथ हमारे बड़े भाई टीपू छा मसाऊ, ये दोनों एक ऐसे खिलाड़ी हैं अपने दौर के जिन्होंने टेनिस क्रिकेट में अपना एक अलग रुतबा, अपना एक अलग परचम बुलंद किया है। और जब हम मेडल लेते कोई दोनों खिलाड़ी ही बात कर रहे थे कि जब ग्राउंड है उस ग्राउंड से हमारी बड़ी यादें जुड़ी हुई है, इस ग्राउंड से, इस ऐतिहासिक से जमीन से संजीव सिंह और टीपू भाई इससे बड़ी यादें जुड़ी हुई है। जब ये लोग खेला करते थे तो लगभग मेरी उम्र 4 से 5 साल नहीं होगी जब ये लोग क्रिकेट खेला करते थे। ये तो सीनियर खिलाड़ी है और कोई सीनियर खिलाड़ी कमेंटेटर बनता है, कोई सीनियर खिलाड़ी अंपायर बनता है। और कामरान खान भी जुड़ चुके हैं दो हजार की टीम से जिन्होंने आईपीएल तक खेला है 2009, 2010, 2011 पुणे वॉरियर्स जो लास्ट रिजल्ट का सीजन था पुणे वॉरियर्स के लिए, वो भी कम से कम अब नगवा सराय की टीम से जुड़ चुके हैं। तो अब नगवा सराय की जो टीम है वो थोड़ी सी और बॉलिंग जो बैटिंग लाइनअप है, बॉलिंग लाइनअप है वो थोड़ा सा मजबूत नजर आएगी टीपू भाई। तो शुक्रिया अदा कर रहा हूं इन तमाम लोगों का, क्या जबरदस्त ग्राउंड चल रहा है। चलिए दोनों बल्लेबाज आ जाए, बल्लेबाज दोनों बल्लेबाज आ जाए, मैं गुजारिश करूंगा टीम आजमगढ़ से। तो अब्दुल्ला हाफिज जी और उनके साथ अयास टीम कप्तान जो टीम के कैप्टन है वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आठ ओवरों के स्तर की दर्शी देखी जा रही है, 5+5 ओवर का मुकाबला है और 5+5 ओवर के मुकाबले में जो रन बना है 74 का टारगेट है, 74 का टारगेट है हमारे साथ
हमारे दो सीनियर कमेंटेटर बड़े भाई टीपू अचार और संजय सिंह राम को लिया था। ये दोनों लोग बुझ चुके हैं, मैं इन दोनों लोगों का दिल की गहराई से इस्लामिया क्लब गालिबपुर के उस ऐतिहासिक सरजमीन पर मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। पांच प्लस पांच ओवर का मुकाबला और पांच ओवर में अयाज पल्लेबाज की तरफ चले तैयार है एक खिलाड़ी स्ट्राइक के ऊपर जो जाएगा अयाज और नॉन स्ट्राइक पर अब्दुल्ला, जो पिछले मुकाबले में ये दोनों लोगों ने सलामी जोड़ी के रूप में जो देखा गया था ये दोनों बल्लेबाज नजर आए थे। अयाज के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी, ये टीम के कैप्टन है, टीम की कमान उनको संभालना होता है और साथ में इन्होंने गेंदबाजी भी की दौड़ का इस्तेमाल किया और पहले ही बल्ले दो बार तीन विकेट लिए थे। अब पहले से उस तरीके का प्रदर्शन करना पड़ेगा क्योंकि इस पत्थर का टारगेट तो बहुत बड़ा टारगेट अगर बात की जाती है भाई, क्योंकि ये विकेट थोड़ी छोटी है, 55 का टारगेट है, 54 बना और 55 का टारगेट है, 55 में बना रहे अयाज स्ट्राइक के ऊपर और नॉन स्ट्राइक पर है। किशन अपने कोटे का पहला ओवर के कोटे का पहला ओवर लेकर तैयार, पांच प्लस पांच ओवर का मुकाबला अयाज स्ट्राइक के ऊपर नॉन स्ट्राइक पर है अब्दुल्ला और अयाज के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी विकेट को बचाने फोन कर दिया कर और हल्के हाथों से बस कटभर कर दिया प्लाइन की दिशा में और एक रन दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ मुकम्मल कर लिया। चलिए खाता खुला टीम अल्फा क्लास आजमगढ़ का और ये मुकाबला आजमगढ़ वर्सेज छतरा के दरमियान में मुकाबला चल रहा है। अब स्ट्राइक पर है अब्दुल्ला बल्लेबाज है और उनके सामने लोग टाउनशिप बढ़ने के पास इस प्रकार भी अच्छी गेंद और कटभर कर लिया और फिर लेने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है तो उनके आसानी से जाएंगे कि नहीं, वहां पर इनकार किया अयाज ने और नॉन स्ट्राइक कर बल्लेबाज को मना कर दिया। स्कोर देखा जाए तो दो रन 55 के टारगेट का पीछा कर रही है, ये दो रन है। अच्छा स्कोर है भाई मेरी कितने दूर है, चलिए स्कोर है 3 रन और पहला ओवर ये प्रगति पर है। पांच प्लस पांच ओवर का मुकाबला है, 55 का टारगेट है और बाकी जो अगले मुकाबले की तो ताजी का बदलाव कराने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है और गुजर पार को नोटा दिया कि आप आइए पहले फील्डिंग करिए, हम आपको टारगेट देने के लक्ष्य देंगे, आपको इस लक्ष्य का पीछा करना पड़ेगा। मैं पंजाब फ्रांस फ्रांस कार्य साहब मैं आप तमाम लोगों का दिल के गए ऐसे शुक्रिया अदा कर रहा हूँ और हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेरे भाई संजय सिंह और टीपू असाओ। चलिए अब अगर निगाह की जाए ग्राम की तरफ तैयार छूटे पत्रा इस बार की मेले से खेला है, इस पर नीचे खिलाड़ी आ रहा है और बड़ी आसानी के साथ गेंद को कलेक्ट कर लिया। इस पर देखा जाए 4 रन और पहला ओवर ये प्रगति पर है। चलिए फिर से तैयार एक बदला कृष्णा गिर हवा में चिटा हो गया वहां पे गया ये टुकड़ा। चलिए 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने, 2 रन और ले लीजिए, 1 रन और हो जाएगा, क्या 4 रन नहीं आ रहा। चलिए 3 रन जुड़ा, स्कोर अगर देखा जाए तो पहुंच चुका है 7 रन, पहला ओवर ये प्रगति पर है, 7 रन बन चुके हैं और लगभग मुझे लगता है कि 11 या 10.5 का रन दे चाहिए, 55 का टारगेट है। अब उसी के हिसाब से अयाज और अपना बल्लेबाजी कर रहे हैं, सिंगल डबल को बिल्कुल नहीं छोड़ रहे, सिंगल डबल पे बिल्कुल लेबर है और प्रेशर रिलीज हो रहा है। अब तमाम सिंगल डबल लेते हैं तो बल्लेबाज बिल्कुल माइंड विकेट के साथ खेलता होता है लेकिन बल्लेबाज के ऊपर फिर जो विकेट कीपर और अगर कोई भी बल्लेबाज रॉयल टेलर रॉयल ड्रेसल चलो राइट बॉल का इशारा, 1 रन और जुड़ा है, इसको है 8 रन। रॉयल जूस कलेक्शन और मेन डाबा जो आपको बिल्कुल फिर दिखाई दे रहा है, अगर कोई भी बल्लेबाज मारेगा या फिर इस मेन डाबा को प्रेशर पर मारेगा
चले आउट का इशारा है, स्कोर 8 रन। मोहन बाबा और रॉयल ग्रीन कलेक्शन, अगर इन दोनों पोस्टरों पर कोई भी बल्लेबाज सिक्स मारता है तो 100 रुपए का इनाम उनके खाते में जाएगा। चलिए स्कोर है 8 रन और पहला ओवर लेकर गति कर है, 5 क्रॉस 5 ओवर का मुकाबला है। अब्दुल्ला स्ट्राइक के ऊपर इस बार भी अच्छी गेंद कड़वा कर दिया और ये रन। चलिए ओवर की समाप्ति हो चुकी है, स्कोर है 10 रन। ओवर की समाप्ति का इलाज स्कोर है 10 रन और हमारे साथ हमारे साथी कमेटी का तीन दुबई। अब इनके जुबानी आप तमाम लोग आगे की जो कमेटी है इनकी जुबानी आप लोग सुनेंगे। जी भैया, जिस तरह से रन चाहिए जीतने के लिए आया जाए कंपनी वही रास्ता अपनाई हुई है। कैच भी छूटा और वाइट भी जहां पे एक वहां 2 रन बन रहे हैं, तो इसी तरह अगर रन बनता रहे तो लास्ट तक ये मैच जाएगा। ये 10 रन प्रतिवर सचिव सिंह की विकेट पे कम नहीं है, इस तरह से विकेट खेल रही है। अगर बॉलर लाइन में लेकर साझी करेगा तो रन बनाना आसान नहीं है। नए बॉलर का नाम बता दें, मेहराब लेफ्ट आर्म गेंदबाज में छोटे करते हैं लेकिन बड़े ही खतरनाक बॉलर और उतने ही खतरनाक बल्लेबाज आज अब्दुल्ला फील्डिंग को चेंज कर रहे हैं। फील्डर इतने गति को लगा दिया गया है, टाइम को थोड़ा सा ठीक कर दिया गया है, कर दिया है वहां पर अच्छी फील्डिंग। जब तक फील्ड निकलते दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया, एक एक के साथ टोटल फिर जा पहुंचा 11-54 के जवाब में, 55 के जवाब में 11 रन के जीरो के हिसाब से रन बनाना है और अब तक ठीक ठाक रन रेट चल रहा है। इस ओवर में अगर बाउंड्री नहीं आई तब प्रेशर आएगा कोई बल्लेबाजों पर। दूसरे ने फील्डिंग को चेंज किया है, पॉइंट को लगा देगा गली कीपर कवर मिडा आर्म मिड विकेट साफ मिडा साफ प्लेट साइड सभी बॉल मिला के करीब लगा दिया गया है। अब्दुल्ला नुकसान के लिए दूसरा ओवर चलता हुआ अब्दुल्ला अभी लग रहा है कि अब पुराने लय में बरकरार आ रहे हैं। 2022 में इन्होंने इतना मैच हराया आजमगढ़ को, लेकिन 2023 में पूरे लय में आ गए हैं। जब से फाइनल जीती है टीम गलियागंज में तब से लग रहा है कि मनोबल ऊंचा हुआ है और अब्दुल्ला आप भी 5वें 6वें पोजीशन पे आते थे बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन प्रमोशन हो गया ओपनिंग पार्टनरशिप, क्योंकि ओपनर बल्लेबाज बहुत ही अच्छे होते वही ओपनर बल्लेबाज आते हैं और वही पूरा निभा भी रहे हैं। लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्का लगाकर खेल रहे हैं अब्दुल्ला। ये 3 छक्का लग रहा है कि जो 50,000 में 5,000 उनको मिल गया था और उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। अब छतवारों की टीम प्रेशर में आ चुकी है, टोटल उसके क्या पहुंचा 3 रन। ये तो दूसरा ओवर चलता हुआ जोखिम निगटिव कर चुका है 2 रनों के लिए, वहां पर अंपायर का इशारा आना बाकी है। 3 रन भी लेना चाह रहे थे और 3 रन लेना चाह रहे हैं, वहां पर मना किया है आज ने, क्या फैसला है भाग के आपको लेना चाह रहे हैं, 1 ही रन मिलेगा। टोटल स्कोर 30 अभी भी 25 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। आयाज के बल्ले को भी बाउंड्री नहीं लगी है और अब्दुल्ला ने लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्का लगाया था। सोहरा फोटो कट कर दिया है, उसके पीछे फील्डर सलमान जब तक फील्ड निकल के बैठा ये दूसरा रन भी पूरा कर लिया। एक तो रन भी नहीं बना उसके बाद फील्डिंग भी थोड़ा सा दी। ओवर की समाप्ति, संजीव साथी कमेंटेटर जुड़ चुके हैं। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर है 31 रन, अभी भी 32 रन सॉरी
18 गेंद 21 रनों की जरूरत, क्या कहेंगे आप? अब पूरी तरह से 70 और 30 का अनुमान लगाया जाएगा। तो पिछले ओवर में अब्दुल्ला हाफिजी ने लाजवाब बल्लेबाजी की और बैक टू बैक लगातार तीन छक्का लगा दिया। हैट्रिक लगाना थोड़ा मुश्किल वर्क है, लेकिन अगर आप प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेलेंगे तो निश्चित रूप से इस विकेट को रन बना सकते हैं। रही बात 18 बॉल और 21 रन बनाने की, तो ये ओवर डिपेंड करेगा। अगर इस ओवर में दो विकेट आता है, 5-6 रन का ओवर आता है, तब जाके बात बनेगी। अगर कहीं न कहीं इस ओवर में अगर 10 रन की आप पास ये टीम बना लेगी तो टाइट टूट पे चली जाएगी पूरी तरीके से। छतवा चलिए एक बार फिर चल लेता राउंड द विकेट ओवर द विकेट। एक बार फिर से हेलीकॉप्टर बल्ले से खेला बॉल और बैक ड्राइव, पहला चौका आता हुआ अब्दुल्ला के बल्ले पे, स्कोर बड़ी तेजी के साथ आगे निकलता हुआ आजमगढ़ का जा पहुंचा। 36 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के, जो अगला मुकाबला खेला जाएगा मऊ जिले के इकलौते क्रिकेटर जो 2009 में राजस्थान रॉयल के लिए आईपीएल क्रिकेट खेला था, कामरान खान नदवा सराय का आगमन हो चुका है, उनकी बल्लेबाजी देखने को मिल सकती है। तो जो लोग देश से आए हैं वो जान लें कि अगले मुकाबले में बल्लेबाजी करते हुए मऊ जिले के दो जबरदस्त लेफ्टहैंडर एक साथ संभवतः बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे, कामरान खान और प्रदीप यादव। इस बीच से ये देखिए टीपू जैसी आप बात कर रहे थे, जब से मैं आया ये विकेट जो गालीपुर की सरजमी को बनाया गया, अगर थ्री क्वार्टर लेंथ के गेट को थोड़े से रफ्तार कम से अगर फिक्स कराया जाए तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इसको बड़ी हिट लगाना। देखिए उसी का एक शानदार नमूना पेश किया, बैक टू बैक टू अच्छी बॉल किया, वंस अगेन लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट अब्दुल्ला अलियाल के हाथों से खेला, बैट सेंस में क्रिकेट खेला दोनों बल्लेबाजों ने और रन आउट का मौका है। बिल्कुल साफ दिख रहा है कि मामला 50-50 से कहीं ज्यादा ऊपर था और बहुत अच्छा जजमेंट वहां पे अलवाज खान के द्वारा। यहां तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हाफिजी यानी अब्दुल्ला कहीं न कहीं थोड़ी सी देरी कर बैठे थे, तो पहला विकेट गिरता हुआ बड़ी देर के बाद और स्कोर में बता दू अब तक जो है स्कोर मात्र 36, अभी भी जीत के लिए तकरीबन 19 रनों की जरूरत है। अगर इस ओवर में दो बाउंड्री अगर आ गई तब तो ठीक है, नहीं तो मामला अभी भी 50-50 हो जाएगा, क्योंकि इस विकेट पे टीपू अगर अच्छे टप्पे में बॉल को पिच कराया जाए तो इतनी आसान नहीं है। अब तुलना एकमात्र ऐसे बल्लेबाज थे जो 3 छक्का और 1 चौका पे टीम के लिए लगाए। जहां तक अयाज की बात की जाए तो अयाज परम मजे हुए ऑलराउंडर है, रूल आउट के सबसे जबरदस्त क्रिकेटर है आजमगढ़ जिले के, बहुत अच्छे ऑलराउंडर है और बहुत अच्छी क्रिकेट अब तक के लिए। बिल्कुल उनको मालूम है कि अगर अंतिम 5 ओवर तक बल्लेबाजी की जाएगी तो जो 55 का जो टारगेट है उसे प्राप्त किया जा सकता है। फिर से और एक बार फिर से हेलीकॉप्टर खेला गया, वहां प्रीमियर मौजूद है, तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास मौका था छोड़ बदलने का, इसे सिंगल के सहारे स्कोर जा पहुंचा 37 रन। अब स्ट्राइक हो गया 8 नंबर की किट में मोहम्मद अयाज आजमगढ़, संभवतः अपनी टीम के कैप्टन है। तो हाल ही में जो एसीसी हार्मिक का टूर्नामेंट हुआ बुलरियागंज में नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट, उसकी चैंपियन टीम है और भी तमाम टीमें इस टूर्नामेंट से जुड़ेंगी, जो इस सीजन की सबसे मजबूत टीम जहां तक अनुमान मेरा है कि केकेआर नसीर वो भी इस टूर्नामेंट से जुड़ेगी, संभवतः आखिर भी उन लोगों का मुकाबला होगा इस ग्राउंड पे। और भी तमाम टीमें हैं, अभी नगला सराय इस मैच के तुरंत बाद आपको खेलते हुए नजर आएगी। ओवर की समाप्ति 3 ओवर 39 रन और 1 विकेट। अब जीत के लिए चाहिए 12 बॉल 16 रन, क्या लग रहा है टीपू? अगले 2 ओवरों में जो 16 रनों की जरूरत है, 8 रन पर ओवर, क्या कुछ अनहोनी होगी या इस टारगेट को आसानी से प्राप्त कर लेगी आजमगढ़? जी संजीव सही कह रहे हैं, इस ओवर में अगर सलमान 1-2 विकेट निकाल देते हैं अपनी टीम के लिए और अगर बाउंड्री नहीं लगती है तो लास्ट में 10-11 रन चाहिए तो आसान नहीं होगा चेस करना। बहरहाल सामान एक अनुभवी बॉलर सामने हैं, यंग बल्लेबाज सहत ऑलराउंडर आजमगढ़ टीम के, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। आजमगढ़ ने ये जो दिमाग में रखा कि गेंद को डार्ट नहीं करना और जिस तरह से लेंथ गेंद को कट कर रहे हैं वही फायदा उठा रही है, ये खराब दे रही है। वाइट का इशारा, वन बाउंस का इशारा, 15 रन चाहिए 12 गेंदों पर, इस तरह की गेंद नहीं करना है सलमान को। अगर मैच जीतना है तो लाइन उन्हें बरकरार रखना है सलमान,
सफा खाने के बाद अंदर की तरफ भी मिडफील्ड हुआ मैदान का इशारा अंपायर का, वहां पर पहले बाउंड का इशारा आया था, एक बार भी गेंद हाई चली गई तो फिर ही टोटल इसको 2 रन मिल जाएगा। अभी भी 13 रनों की जरूरत है, बची ही पा रहा है गेंदों पर। खराब गेंदबाजी सलमान द्वारा, अगला मैच एक बड़ा ही खतरनाक मैच नदवा खराब से गुजर पार के बीच खेला जाएगा। बहुत तेज गति संजीव गुस्से में आए और भी सोचा होगा कि बहुत तेज, कम से कम 100 पार चली गई। सलमान लंबा रन अच्छे वाला काम करेंगे, बस इसके बाद है नदवा सराय गुज्जर पार। ये नहीं करना आपको, अगर बॉलर में बाउंड्री नहीं आई संजीव तो लास्ट नहीं, प्रफुल्ल यादव तो अभी तक किसी टीम में नहीं दिखे हैं, पूरी तरह से प्रेशर में आ जाएगा। लकी को जो डायरेक्ट टू डायरेक्ट कार्ड डिलीवरी होती है, प्रेशर में है आयाज भी और प्रेशर में है सलमान भी। अगली बार हाँ भाई आईपीएल वाला फैसला लेती थी, खेला है गेंद बाउंड्री के बाहर, जो लगना चाहिए वो लग गया और मैं धीरे धीरे आजमगढ़ के पक्ष में जाता हुआ टोटल स्कोर जा पहुंचा 50 रन, मात्र 5 रनों की जरूरत एक मैच को जीतने के लिए। सलमान इस ओवर में अगली बार ऐसा है कि ऊंचा, अगर मैच होता तो कम से कम 100 चल रहा है। आउट लवली टेकन वाला कैच, अनदर फैंटास्टिक कैच बाय छतवारा एंड कंपनी। पहली मैच में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल। जो दूसरा ओवर लगातार 3 छक्के लग गए वहां पर बुल्ला हाफिज ने लगाया, वही मैच का टर्निंग ओवर संजीव। अगर उस ओवर में रन थोड़ा कम बना होता तो जो विकेट गिरा है ये प्रेशर में रहते। नए बल्लेबाज रैयान 5 रन चाहिए आजकल किसी की खेल कोई भी पहल लेता है, नाम शायद लिखा हुआ लेकिन नाम इनका है रैयान। 7 रन चाहिए, 7 रन मैच में कुछ कहा जा 5 रनों की जरूरत। अरे 7 रन चाहिए यार, ना भाई ना ही है मुझे लगता है, ना है वो की जगह दूसरे खेला है। 55 रनों का टारगेट है, 5 रनों की जरूरत, ना ही सेकंड राउंड पहला मैच है। हाँ हाँ एक बाद है कामरान वाली टीम है का, कामरान प्रदीप। हाँ एक अरे इधर 7 रन चाहिए, छह रनों की जरूरत है, 9 रन बना है स्कोर में, 7 रन चाहिए, हमारे स्कोर थोड़ा सा चूक है, चलिए 7 रनों की जरूरत है। 16 रन चाहिए था, लग रहा है कि हो जाता है स्कोर है, थोड़ा से दूसरी मैदान पे 45 डिग्री टेम्परेचर है, एक वाइट आए एक नो बॉल से सिंगल बना 3 एक छक्का लगा 9 तो अभी भी आउट हो गए, तो टोटल 2 रन चाहिए 7 रन। बीबी स्कोर बना हुआ रैयान और फहद यंग बल्लेबाज जोड़ी मैदान पर देखी जा रही है। सलमान लंबा रन एक बड़ा विकेट मिला है आज के रूप में, कट लगा फील्डर के पीछे, 1 ही रन मिलेगा इस 1 के साथ, अभी भी 6 रनों की जरूरत बची हुई 7 गेंदों पर। 8 बार यार, और जिसको जींस लेना है अच्छा वाला जींस तो रायल जींस क्लब मोहम्मदाबाद और मून ढाबा पे अगर गेट टकराती है तो 100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। किसी भी बल्लेबाज अगर वहां छक्का लगाकर बैनर पे टकराती है गेट तो 100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। सलमान इस ओवर में अगली बार फहद 6 रनों की जरूरत है बची हुई 7 गेंदों पर।
बहुत अच्छी गिरवाला डिलीवरी बीटिंग अवे, क्या कहेंगे संजीव सर, एक और छह रन। देखिए इस ओवर की जहां तक बात की जाए तो एकमात्र अगर छक्का हटा दिया जाए तो लाजवाब बिल्कुल एक रफ्तार से बॉल निकली और जो बॉलिंग कर रहा है लेकिन कीपर बिल्कुल अपनी चेस्ट हाई पता नहीं कर रहा है। अच्छा ओवर किया, एक छक्का जरूर आया, एक और छह रन। अब देखना है कौन से जो बात, जैसा की छपारा की भी बॉलिंग लाइनअप बहुत मजबूत है, बिल्कुल दिखाया अगर कहीं ना कहीं अब्दुल्ला हाफिज जी वो हैट्रिक सिक्स न लगा पाते तो मामला और दूर होता। बहरहाल छह बॉल और छह रन, तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो मामला 40-60 का है, एक ही एक दो रन है। लेकिन अगर एक्चुअली करना क्या है, गेंदबाज को प्रति एक बार सोच समझ कर सही जगह पे डाल रहा है और बल्लेबाज को बल्ला घुमाना है, तो कहीं ना कहीं जो एडवांटेज है आजकल के क्रिकेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो मैच चल रहा है बैटिंग साइड के फेवर में है। अब गेंदबाजी ओवर में ये नए गेंदबाज आए हुए हैं, किस प्रकार की करेंगे ये देखने वाली बात है। बोलर्स नेम बता दें, मेहरा है तो चलिए मेहरा कुछ करिए, आपको एक टाइम टू वर्क करना होगा। एक बार अमले चकिया में मैच चल रहा था तो अंगद पटेल जो वर्तमान में प्रधान है तो उस टाइम नाइट मैच था, हम लोग की टीम से मुकाबला था टिपो, तो शमशेर अली जो पूरे आजमगढ़ पूर्वांचल की बात की जाए तो उनसे बड़ा कोई ऑलराउंडर था ना उस टाइम, तो उनके एक ओवर में पांच छक्का लगातार लगा दिया और वही बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहा था और अंतिम ओवर में मात्र 8 रन चाहिए थे और वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन सब टीम ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, तुमने ही मैच बिगाड़ा तुम ही फेंको, और वही बल्लेबाज था और 8 रन बनाना था नहीं बनाने दिया। तो चलिए छह बॉल और छह रन, देखिए मेरा लेफ्ट आर्म राउंड विकेट मौजूद है और पुरानी कहावत है काम कर दिया था बिल्कुल, अगर ये कैच कर लिया जाता तो नया बल्लेबाज स्ट्राइक पर आता, एक रन भी बच जाता, बैकअप पर रहते भी विकेट कीपर सराहना कर रहे हैं कोई बात नहीं। अब चलिए पांच बॉल और पांच रन, तो कहीं ना कहीं एक रोमांचक मुकाबला होता हुआ आजमगढ़ जिले से ताल्लुक है इन दोनों टीमों का, एक जो टीम अपने आजमगढ़ जिले के नाम से केवल दूसरे छतवारा और फिर से सीधे बल्ले से बैक टू बैक दूसरा कैच और इस बार कोई गलती नहीं की तो मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। अब नए बल्लेबाज जाएंगे, अगर कहीं ना कहीं पहली भी बॉल के कीपर अगर विकेट गिरा होता तो अब जो है वो इक्वेशन थोड़ी बदल जाते, चार बार और छह रन, तो अब पेशेंस का खेल है। मैंने ठीक है भाई आप चाहिए पांच ही रन चाहिए, आप ही पांच चाहिए हम बता रहे हैं कि अगर पहली बॉल पे उस प्रकार की घटना घटती तब, तो चार बॉल और पांच रन। अब जो है नए बल्लेबाज, ये ग्रामीण अंचल का क्रिकेट है, हर एक टीम में टीपू हमको लगता है चार पांच ही ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो भरोसेमंद होते हैं, जैसे तो क्रिकेट भारत में हो चुका है 11वें नंबर के बल्लेबाज भी आकर सिक्स लगा सकते हैं, लेकिन प्रेशर में खेलना और फ्री माइंड में बहुत असर है। चलिए मेरा कुछ करना होगा अपनी टीम के लिए, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट अंपायर को क्रॉस किया नए बल्लेबाज के लिए, बहुत बैटिंग मौका बना है लेकिन एक रन से नहीं रोका, अच्छी फील्डिंग थी तो थ्रो भी किया गया था लेकिन अच्छी रनिंग भी टीम विकेट देखने को मिली। चलिए तीन बॉल और चार रन, क्या लाजवाब मुकाबला चलता हुआ गाजीपुर मऊ की सजनी पे अंडर एसीसी क्रिकेट टूर्नामेंट जिसके ऑर्गेनाइजर है यासिर से, जो पिछले दो साल से इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, बहुत सारे ग्रामीण अंचल के क्रिकेटर उभर कर सामने आए हैं। तीन बॉल चार रन, हाल ही में गाजीपुर ने भी एक टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया, पार्टिसिपेट तो बहुत सारे टूर्नामेंट में किया और इब्राहिमपुर में उन्होंने उप विजेता के रूप में अपना स्थान लाया। चलिएगा फिर से कदम उठा होगा, चलिए अब मिलते हैं कामरान खान एंड कंपनी वर्सेस गुज्जर पार के बीच, बिल्कुल जब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए आजमगढ़ क्रिकेट लाइव। जो अब हम इस बीच चलिए मिलते हैं फटाफट छोड़कर चले गए हैं, स्वर्गवास हो चुका है सेम के कैप्टनशिप के अंदर आई